ईमेल के थ्रू। मैंने उनकी एक बार वेबसाइट पे क्लिक किया तो दोनों साइंटिस्ट 12 साल से एक ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दोनों नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, माने किडनी रोग के विशेषज्ञ। उनका ये एक्सपेरिमेंट है कि पानी घटाघट पियो तो क्या होता है और पानी घूट घूट पियो तो क्या होता है। 12 साल से वो एक ही काम में लगे। 12 साल के बाद उन्होंने रिजल्ट दिया है और उसकी पूरी थीसिस तैयार की है। वो ये कहते हैं कि पानी जो घटाघट पिए तो रोग ही रोग शरीर में। वो बोलते हैं सबसे ज्यादा संभावना है एपेंडिसाइटिस की, दूसरी संभावना है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की। वो कहते हैं कि ये प्रोस्टेट के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, एपेंडिसाइटिस के जितने भी प्रॉब्लम है, ये सब मैक्सिमम उन लोगों को है जो घटाघट पानी पीते हैं। और वो कहते हैं कि जो घूट घूट पानी पी रहे हैं वो कहते हैं दिस इज आइडियल। और वो कहते हैं कि भारत तो बहुत लकी है कि इस नियम का भारत को 3,500 साल से ज्ञान है, हमको तो अभी पता चला 12 साल पहले कि पानी घूट घूट पीना। उन्होंने अपने 100 से ज्यादा पेशेंट पर 12 साल ये काम किया जिनकी किडनियां खराब हुई और जिनको डायलिसिस करना पड़ता था। ऐसे 100 पेशेंट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। उनका कहना है कि जितने पेशेंट को घूट घूट पानी पीने को उन्होंने बोला, सभी को डायलिसिस देर में होना देर में हुआ। माने जैसे हर दिन डायलिसिस लगता है ना, घूट घूट पानी पीने लगे तो 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, वो समय बढ़ता ही गया और अंत में 3-3 महीने में एक बार डायलिसिस उनको करना पड़ा और 6 महीने में करना पड़ा। और जो घटाघट पानी पीते हैं उनको हर दिन या हर दूसरे दिन डायलिसिस फिर हो जाता। तब उन्होंने थीसिस तैयार किया। वो थीसिस को उन्होंने एक बहुत बड़ी मैगजीन आती है लैंसेट, उसका नाम है, लंदन से छपती है, उसमें दिया वो थीसिस। मैंने पढ़कर फिर उनको कांटेक्ट किया कि आपको ये पता कैसे चला घूट घूट पानी पीने का। तो उन्होंने कहा कि हमको किसी इंडियन ने बताया था जो अमेरिका में रहता है और हमने उसको सीरियसली ऑब्जर्व करने के लिए ये किया था। तो मैंने कहा हमारे भारत में तो 3,500 साल पहले ये पता। उन्होंने कहा हाँ हमें मालूम है लेकिन भारतवासी इसका पालन नहीं करते, इसका बहुत अफसोस है। अब वो दोनों इसका प्रचार करने में लग गए। वो कहते हैं पानी को घूट घूट पियो तो किडनी भी अच्छी रहेगी, लीवर भी अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो आप इसको हमेशा याद रखिए कि पानी को घूट घूट पीना ही सबसे उत्तम है।